जिले में रिलायंस शासन पावर के मुहेर कोल माइंस का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इधर बस्तियां सिमटती जा रही है, प्रदूषण का ग्राफ भी लगातार बढ़ रहा है। लोग प्रदूषण से ग्रसित हैं। प्रदूषण के चलते गांव के लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं। किसानों की जमीन पर विकास का आसमान खड़ा करने वाली रिलायंस शासन पावर कोल माइंस प्रबंधन किस तरह से कानून और नियमों का खुला उल्लंघन कर रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण सिंगरौली जिले मुहेर में देखने को मिला, जहां मुहेर निवासी दयानंद जायसवाल ने बताया कि रिलायंस कंपनी द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया है और मनमानी तरीके से पट्टे की भूमि पर काम शुरू कर दिया गया है, जिसकी शिकायत भी की गई। कोई सुनवाई नहीं होने पर अब किसान तंबू लगाकर अपनी जमीन पर डेरा जमा दिया है। आपको बता दें कि शासन रिलायंस पावर द्वारा कोल माइंस के प्रबंधन की मनमानी मुहेर गांव में एक गरीब किसान के पट्टे की जमीन का अधिग्रहण कर नियमों का खुला उल्लंघन किया है। फिलहाल देखना यह है कि पूरे मामले में जिला प्रशासन क्या कार्यवाही करता है। रिलायंस वाले रिलायंस का प्रबंधन मनमानी तरीके से मेरे ज़मीन में कब्जा कर रहे हैं। वो लोग ऑलरेडी एक्सकवेट कर रहे हैं, 25 डिसमिल में ऑलरेडी एक्सकवेट कर चुके हैं और अदर तैयारी है। तो मैं इमिडिएटली साइट पे अपने रश हुए, बट ये साइट 25 किलोमीटर दूर है, आने में थोड़ा वक्त लगा। इन बिटवीन मैंने यहाँ जो भी अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, SDM साहब हैं और अपने TI हैं और भी यहाँ के लोकल गणमान्य लोग हैं, उनको के हमारे साथ इस तरीके किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है। फिर उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि बस आपका काम रुक जाएगा और उनके साथ समझौता। मैंने कहा समझौता हम लोग को नहीं चाहिए, जो भी न्याय संगत जो भी डिस्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, कलेक्टर का गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है हमारा कीजिएगा। लेकिन उन लोग समझौता की बात कर रहे थे, अभी समझौता हम नहीं कर सकते इस तरीके की बस हमारा जमीन आप एक तरफ खत्म कर दे जा रहे हो, दूसरी तरफ आप बात करने की तैयारी हो, आप जिला प्रशासन की तरफ से आइए। रिलायंस से रिक्वेस्ट करते हैं कि बस आप जिला प्रशासन की तरफ से आप आवेदन दीजिए, उनके तरफ से एक्वायर कीजिए इस लैंड को और ले लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है।